तो सबका पहला गेस ये होगा कि मैम दोनों में ना एन आन आना चाहिए बट नो दैट इज नॉट द ओवर हियर लेट मी जस्ट क्लैरिफाइड फॉर यू ऑल कि आप वर्ड से पहले अ या एन लगाते हो बेस्ड ऑन द साउंड नॉट ऑन द लेटर कि अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो वहां पर अ आएगा और लेटर है सॉरी uh, वहां पे वावल साउंड है तो वहां पर एन आएगा जैसे कि यूनिक की पहले अगर हम बात करें तो यूनिक ऑल्दो इट स्टार्ट लेटर यू बट साउंड यू कैरिंग इन द स्टार्टिंग इज ऑफ वाई यूनिक तो यहां पर एन आन नहीं अ आना चाहिए जिसकी वजह से ये तो कैंसल आउट हो गया ठीक है तो ये और ये तो हो सकता है और द भी नहीं हो सकता ठीक है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी वी आर नॉट टॉकिंग स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी ठीक है तो यहाँ पर अ आना चाहिए और नेक्स्ट वाला जो वर्ड है अनएक्सपेक्टेड इट हैज अ साउंड ओ, तो इससे पहले एन आएगा तो अंड एन आर द करेक्ट ऑप्शन इसलिए यहां पर हम ए लेंगे ना कि बी क्योंकि दोनों में अ आ, आ, आ रहा है सो लाइक आई डिस्कस्ड ए इज द करेक्ट आंसर नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन I I I regret dash times times. when I have chosen the dark times. wasted time being unhappy. Basically, मैं उन टाइम्स को वो वाले टाइम्स को रिग्रेट करता हूँ, जब मैंने डार्क साइड चूज करा यानी जब मैंने गलत चीजों को करा ठीक है मैं उस टाइम पे बहुत नाखुश था तो और मैंने अपनी जिंदगी का टाइम वेस्ट करा है तो उन चीजों की बात हो रही है यानी आप यहां पर बेसिकली पॉइंट कर रहे हो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो तो डेमोन्स्ट्रेटेड determiners में this, that, these या फिर those आते हैं ठीक है तो यहां पर देखो एक ऑप्शन है हमारे पास these का एक ऑप्शन है those का बाकी दोनों में आ जाते हैं द और ऑल जैसे ही हमने हिंदी में ट्रांसलेट करा हमें पता चल गया ये दोनों तो नहीं ही आने वाले अब मैं बात कर हूं उन टाइम्स की ठीक है आप ये वाले की बात करते हो तो आप दीज यूज करते हो वो वाले की बात करते हो आप दो यूज कर सकते हो ठीक है तो हम तो वो वाले टाइम की बात कर रहे हैं तो इसलिए दीज भी नहीं आएगा सो आई रिग्रेट दो जब आप पास्ट वाले टाइम्स की बात करते हो ना तो आप दो यूज कर रहे होगा आई रिग्रेट दो सी इज द करेक्ट आंसर और राइट मूविंग ऑन टू द्वेश्चन नंबर थ्री ओवर है यू डोंट नीड टू बाई एनी मूव फूड वी गॉड Dash. We have got enough, many, much, या फिर little. देखो, अब यहां पर से हम हम को हटा सकते हैं क्यों? तो चीजों उंटेबल सो मेनी नहीं आएगा उसी तरीके से लिटिल भी नहीं आएगा क्यों क्योंकि बाबा लिटिल का मतलब हो गया हमारे पास कम फूड है पर तो हम तो बोल रहे हैं हमारे पास काफी फूड है सो द ओनली ऑप्शन

That वो वाला ताजमहल क्या आंसर हुआ? ये वाला ताजमहल भी कोई है, तो C भी नहीं आएगा. Since we have got the in the options, तो हम ननावती बाप के लिए भी नहीं जाएंगे. So B is the correct answer. All right, moving on, guys. The vocabulary list had been memorized by dash of the students and each one scored over eighty percent on the exam. ठीक है. Now the options that we are given are every, all, a little and much. सबसे पहले अ अलिटिल और मच को कैंसिल करते हैं क्यों बिकॉज स्टूडेंट्स आर काउंटेबल सो वाई वुड यू गो फॉर दोन जो कि अनकाउंटेबल नाउम के आगे लगते हैं जैसे कि लिटिल मच नाउ द ओनली टू दैट वी हैव रिमेनिंग आर एवरी एंड ऑल अब देखो यहां पर एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं हो सकता बिकॉज एवरी के साथ जो आपका नाउन आता है दैट इज ऑलवेज सिंगुलर सो द ओनली ऑप्शन दैट रिमेन्स इज

So, the only option is most. C is the correct answer. Moving on to the last question of the day, guys. We discussed this matter with many clients, but dash of them was actually interested. None of them.

राइट या वर् बट यहां पर क्योंकि सिंगुलर वर्ब लगाया है मतलब नन आएगा नन ऑफ देम वॉज एक्चुअली इंटरेस्टेड इनमें से कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था

लाइक दिस इज द वीडियो ठीक है तो इसके अगर आप पहले लिंक पर क्लिक करोगे तो इसको टेक यू टू तो द्रोणा वाला पेज जहां पे नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा बाय फुल कोर्स पे क्लिक कर सकते हो उसके अलावा टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट सीरीज के लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए सेकंड लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने ऐसी स्क्रीन आएगी बाय नाउ पे क्लिक करना है कुछ बाय नहीं करना है यू जस्ट हैव टू मेक है प्रोफाइल सो गो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर आंसर की सैम्पल पेपर सब कुछ मुफ्त मिल रहा है हमारे टेलीग्राम चैनल को कम्युनिटी को भी ज्वाइन करो लाइक आई टोल्ड यू यू कैन गेट ऑल दीडीएफ नोटर्स अमेजिंग सेशन देर द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो दिस माई इंस्टाग्राम हैंडल फील फ्री टू पिंग मी ओवर एज वेल लास्टली इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो हिट द लाइक बात मी शेयर विद यू नॉट इन एज वेल सो बाई गए सात साल बीस तक फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते